हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, यह है भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग, पूरी होती है संतान प्राप्ति की मनोकामना। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जहाँ भी विराजमान हुए हैं वह प्रसिद्ध तीर्थस्थल के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो शिव के अनगणित शिवलिंग जगह जगह स्थापित है, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों को दिव्य ज्योतिर्लिंग का महत्व दिया जाता है। शिव के इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंग की तरह शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर की महिमा अपरंपार है। दोस्तों, शिव पुराण में भी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। मान्यता है कि घुश्मेश्वर को आकार शिव के स्वरूप के दर्शन से भी सभी तरह की मनोकामना पूर्ति होती है। आइए जानते हैं दोस्तों इस अंतिम ज्योतिर्लिंग की कहानी और यहाँ की खास बातें। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के दौलताबाद में वेरुल गांव में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मंदिर को घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अजंता और एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। ये शिवलिंग शिव के अपार भक्त रही घुष्मा की भक्ति का स्वरूप है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुश्मेश्वर पड़ा था। दोस्तों, शहर के शोर शराबे से दूर स्थित यह मंदिर शांति एवं सादगी से परिपूर्ण माना जाता है। हर साल देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तथा आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि दक्षिण में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदय का साथ निवास करता था। उनके जीवन का एक ही कष्ट था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। कई प्रयास के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की गिलकारी नहीं सुनाई पड़ी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदय ने छोटी बहन घुष्मा से विवाह अपने पति के साथ कर दिया। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 100 पार्थिव शिव बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। उस पर भोलेनाथ की महान कृपा थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी आई और उल्लास का माहौल छा गया। लेकिन घुष्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदया को रास नहीं आई और वो उसने जलने लगी। उसका पुत्र सुदय को खटकने लगा और एक रात अवसर पाकर सुदया ने उसके पुत्र की हत्या करके उसी तालाब में फेंक दिया। दोस्तों, इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। सब विलाप करने लगे, लेकिन शिव भक्त घुष्मा को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वो बिना किसी दुख विलाप के रोज तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंग की पूजा कर रही थी। इतने में दोस्तों, उस तालाब से ही अपना पुत्र वापस आता दिखा। ये सब भगवान शिव की महिमा थी कि घुष्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित पाया। उसी समय स्वयं शिव वहाँ प्रकट होकर घुष्मा को दर्शन देते है। भगवान उसकी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा अपने अच्छे आचरण के कारण भगवान से अपने बहन को क्षमा करने की विनती करती है। अपनी अनन्य भक्त की प्रार्थना पर शिव ने घुष्मा से वरदान मांगने को कहा। तब घुष्मा ने कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ पर बच जाए। भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए शिव ने कहा कि मैं अपनी भक्त के नाम से यहाँ घुष्मेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। तब से यहाँ जगत में शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग के तौर पर पूजा जाता है। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर के पास ही एक सरोवर भी है जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल पाता है, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यही तालाब है जहाँ पर घुष्मा बनाए शिवलिंग को विसर्जन करती थी और इसी किनारे उसने अपने पुत्र जीवित मिला था। दोस्तों, हर साल यहाँ सावन माह के दौरान लाखों संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। क्या दोस्तों, आपके मन में भी कोई इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।